अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अशांक गोबल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। वो तुम्हें रूही की तस्वीर है और तुम वही हो, वही आंखें, वही होंठ, वही मासूमियत। यही कहीं मेरी मंजिल छुपी है, मंजिल को मैं ढूंढूं, मुझे मंजिल ढूंढे। दोस्तों, आज जिस एक्टर की बात मैं करने वाला हूं, वो 80s और 90s के दौर के एक्टर थे और कई फिल्मों में उन्होंने बेहतरीन रोल किए थे, लेकिन वो अपने काम से नहीं पहचाने गए बल्कि अपनी बीवी के नाम से पहचाने गए, और वो थे वेरी टैलेंटेड और स्मार्ट मजहर खान। सर किसी के सामने झुक जाए मेरा ये मुझे मंजूर नहीं, पड़े वक्त तो मोहताज सही पर मैं मजबूर नहीं। अपन का डैडी अंधा है, उसको मालूम नहीं कि हम बुरे धंधे में फंसा है। इतना टाइम हो गया हम उसे कुछ पैसा नहीं भेजा, और बाप अगर बच्चों की परवरिश करता है तो नालायक बच्चे के मुंह पे थप्पड़ भी मार सकता है, और नालायक बच्चे को उस थप्पड़ के लिए तैयार रहना चाहिए। 22 जुलाई 1955 में मजहर खान पैदा हुए थे दिल्ली में, एक मुसलमान पठान खानदान में। उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की दिल्ली से, और बाद में उन्होंने थिएटर ज्वाइन कर लिया और थिएटर में प्लेस करने लगे। एक दिन अपने वक्त की मशहूर चाइल्ड आर्टिस्ट हनी ईरानी ने मजहर का प्ले दिल्ली में देखा। हनी मजहर से बहुत इंप्रेस हुई, मजहर से मुलाकात की और मजहर की कुछ फोटोग्राफ्स अपने पास रख ली, और जब दिल्ली से वो मुंबई आई तो उन्होंने अपने शौहर मशहूर लिरिसिस्ट और स्टोरी राइटर जावेद अख्तर को वो फोटोग्राफ दिखाई। जावेद साहब भी मजहर खान की फोटोग्राफ से बहुत इंप्रेस हुए। जावेद अख्तर उन दिनों शोले के बाद रमेश सिप्पी की एक बहुत बड़ी फिल्म लिख रहे थे, और उन्होंने वो फोटोग्राफ्स रमेश सिप्पी को दिखा दी। रमेश सिप्पी को भी मजहर खान की फोटोग्राफ बहुत पसंद आई, लेकिन एक दिक्कत थी। दिक्कत ये थी कि फिल्म की फाइनल कास्टिंग हो चुकी थी, लेकिन जावेद साहब चाहते थे कि मजहर खान इस फिल्म में काम करें। इसलिए जावेद साहब ने रमेश जी से कहा कि अगर आप चाहें तो मैं और सलीम साहब मिलकर मजहर खान के लिए एक अच्छा रोल लिख सकते हैं। चुनांचे सलीम जावेद ने मजहर खान के लिए इस फिल्म में एक बहुत अहम रोल लिखा। फिल्म का नाम था शान, जो आई थी 1980 में, और इस फिल्म में मजहर खान के कैरेक्टर का नाम था अब्दुल। आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ, आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ, नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। बादशाह, अब्दुल को इतना हरकत समझता है क्या? अरे तुम्हारा भाई मरा ना, अपन को लगा कि अपना कोई सगे वाला मरा है, पॉकेट में रख ले। अपना अल्लाह देखता है बाप, ऐसा पैसा अपने पे हराम है क्या? फिल्म शान ज्यादा कामयाब नहीं रही, लेकिन मजहर खान का रोल लोगों को बहुत पसंद आया। दोस्तों, हम आपको बताएं कि शान की शूटिंग के दौरान मजहर खान को एज मेन लीड एक फिल्म की ऑफर आई थी, जो उन्होंने साइन कर ली। उस फिल्म का नाम था संपर्क, जो आई थी 1979 में, और ये फिल्म शान से पहले रिलीज हुई। लो, हम तेरे लिए चूड़ियां लाए, और तू तू है जो थाना पुलिस की बात करती है। सच? ला देना। नहीं देता। देना। नहीं देता। देना। नहीं देता। देना। अरे देता हूं, देता हूं। ऐसे थोड़ी, पहले जीभ बाहर निकाल। दोस्तों, शान के बाद मजहर खान ने कई फिल्में साइन कर ली, जैसे धनवान, रूही, दर्द, एक ही भूल और अर्थ। अरे छोड़ो भी पूजा, पूजा वैसे तुम्हारे टेस्ट की दाद देनी पड़ेगी, अच्छा खासा घर तुमने सजा लिया। इंदर, वैसे इंदर, हमारी अगली फिल्म यहीं शूट करते हैं। हाँ, नहीं बात बोल रहा हूँ, तुम्हारे 20 20 20 20 देखो ये सनफ्लावर, ये कैप्सिकम और ये। मजहर खान फिल्में तो कर रहे थे, लेकिन उन्हें एक ही जैसे रोल मिल रहे थे। फिर भी फिल्म इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए उन्होंने कुछ और फिल्में साइन कर ली, जैसे वांटेड, भवानी जंक्शन, गुलामी और शिवा का इंसाफ।
तुम्हें इस बात का एहसास दिलाए बगैर चुपके चुपके हम ये दरियाफ्त करते रहे, हमें छानबीन जारी थी। वो कातिल कौन है ये तो हम जानते नहीं, लेकिन वो कहाँ है हमें मालूम। दोस्तों, फिल्मों में काम करने के साथ साथ मज़हर खान ने शादी भी कर ली। उनकी बीवी का नाम था रुबाइना, और हम आपको बता दें कि रुबाइना दिलीप कुमार साहब की सगी नीस है। मज़हर और रुबाइना का एक बेटा भी है और उसका नाम है अज़र। लेकिन अफसोस, कुछ सालों बाद मज़हर और रुबाइना के बीच अनबन शुरू हो गई और दोनों ने डिवोर्स ले लिया और रुबाइना अपने बेटे अज़र को लेके अमेरिका शिफ्ट हो गई। मज़हर को फिल्मों में अच्छे रोल ऑफर नहीं हो रहे थे और उनकी शादीशुदा जिंदगी भी बर्बाद हो गई थी और वो अपनी लाइफ से बेजार हो गए थे। उसी बीच फिल्म इंडस्ट्री में ये खबरें आनी शुरू हो गई थी कि मशहूर एक्ट्रेस जीनत अमान और अपने वक्त के मशहूर एक्टर संजय खान में जो रिलेशनशिप था वो टूट गया है। जीनत अमान भी अपनी लाइफ में एक रफ पैच से गुजर रही थी और अब वो शादी करके अपना एक घर बसाना चाहती थी। इसी दौरान जीनत अमान की और मज़हर खान की मुलाकात हुई, बिकॉज बोथ वर सेलिंग इन द सेम बोट। दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए और दोनों ने शादी कर ली 1985 में। और ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जब दोनों की शादी हुई तो जीनत अमान अपने करियर के पीक पे थी। मज़हर खान अपनी शादी से बहुत खुश थे कि उनकी शादी एक नामचीन हीरोइन से हुई है और शायद अब उनके करियर में कुछ अच्छा होने लगेगा। लेकिन अफसोस, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जीनत अमान बड़ी बड़ी फिल्में कर रही थी और मज़हर छोटे छोटे रोल कर रहे थे। इसी दौरान रमेश सिप्पी 1986 में एक मेगा सीरियल प्लान कर रहे थे। सीरियल का नाम था बुनियाद और बुनियाद में रमेश सिप्पी ने मज़हर खान को एक बहुत अच्छा रोल दिया, रोशन का, यानी रोशन लाल का। देखिए पिताजी, आप तो अभी नौजवान भारत सभा वाला सपना देख रहे हैं इंकलाबियों की तस्वीरों के आगे खड़े होकर। तुम्हें इंकलाब की क्या समझ रोशन लाल, जाओ तुम छोटी बैठक में जाकर पढ़ो। मैं ना समझ सही, लेकिन जिसने भी संतनगर की आग देखी वो कभी कह सकता है कि हमें लाहौर नहीं छोड़ना पड़ेगा। बुनियाद के बाद भी मज़हर अच्छे रोल के लिए स्ट्रगल करते रहे जो उन्हें नहीं मिले। आहिस्ता आहिस्ता मज़हर खान को इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स होने लगा, यानी एहसास कमतरी, और मज़हर ने जीनत अमान को फिल्मों में काम करने से रोक दिया और जीनत ने भी अपने शौहर को खुश करने के लिए उनका हुक्म मान लिया। इसी बीच मज़हर और जीनत के दो बेटे हुए, आज़ान और जहान। बच्चे होने के बाद भी जीनत अमान को बड़ी बड़ी फिल्मों की ऑफर्स आ रही थी, लेकिन मज़हर खान को कोई ऑफर्स नहीं आ रही थी। मज़हर इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए। इसी फ्रस्ट्रेशन में आकर वो जीनत अमान के साथ बदसलूकी करने लगे और जीनत को टॉर्चर करने लगे। जीनत से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके मज़हर से अलग हो गई। कुछ सालों बाद यानी 1993 में मज़हर खान की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, उन्हें किडनीज की बीमारी हो गई थी। जीनत को जब ये पता चला तो अपने सारे डिफरेंसेस भुलाकर मज़हर के पास वापस चली गई और उनकी देखभाल करने लगी। 5 साल तक जीनत ने मज़हर की सेवा की, लेकिन मज़हर की बीमारी बद से बदतर हो गई और 16 सितंबर 1998 मज़हर इस दुनिया को छोड़ के चले गए एट द एज ऑफ 43। आज मज़हर और जीनत के बेटे बड़े हो गए और अपनी माँ के साथ रहते हैं और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, हम आपको बताएं कि अपनी बीमारी से पहले मज़हर ने अपने प्रोडक्शन हाउस में एक फिल्म प्रोड्यूस की थी और उसे डायरेक्ट भी किया था और उस फिल्म का नाम था गैंग। लेकिन अफसोस, अपनी बीमारी की वजह से वो फिल्म कंप्लीट नहीं कर पाए। बाद में उनके चीफ असिस्टेंट ने वो फिल्म कंप्लीट की। फिल्म का नाम था गैंग, जो आई थी 2000 में। दोस्तों, मज़हर खान के जाने के बाद जीनत अमान ने दूसरी शादी नहीं की। वो कहती हैं कि मैंने मज़हर को सच्चे दिल से प्यार किया है और आज मैं अपने दोनों बेटों के साथ बहुत खुश हूँ। दोस्तों, आजकल जीनत अमान सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं और कई रियलिटी शोज में नज़र आती हैं। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।